स्वामी जी महाराज के चरणों में हम पूरे भारत की ओर से, मणिपुर की ओर से नमन करते हैं। मणिपुर भारत माता के मुकुट की मणि है। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा गहरा नाता मणिपुर से रहा है। जैसा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व में, पूरे देश में योग की अलख जगाई है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको ये माना जाता था कि लोगों से संपर्क कम हो पाता है, भारत स्वाभिमान ने नॉर्थ ईस्ट के भी हर जिले में, हर तहसील में योग की एक क्रांति पैदा की है, योग की गंगा वहां तक पहुंचाई है। हमारे साथ में यहाँ पर मणिपुर में जिन्होंने तन मन धन से सेवा के कार्य को आगे बढ़ाया है, ऐसे हमारे भाई विनोद जी यहाँ पर हैं। एक बार भाई विनोद जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि। और उसके साथ साथ हमारे भाई हिलेरी जी, जो वैसे ईसाई संप्रदाय से हैं, लेकिन योग में, भारतीय संस्कृति में इनकी अनन्य आस्था है, इनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ साथ भाई काली जी हैं, जो विगत 3-4 वर्षों से मणिपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहन नीलिमा जी बहनों के मध्य में बहुत सुंदर सेवाएं दे रही हैं। और मणिपुर में जो हमारी भारत की सबसे प्रसिद्ध मुक्केबाज बहन है, वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, महिलाओं के क्षेत्र में मणिपुर बहुत सक्रिय है, बहुत सबल है। और मणिपुर में हमारी बहनों की विशेष रूप से कई कक्षाएं चलती हैं। मैं एक बार चाहूंगा बहन नीलिमा जी उन बहनों को खड़ा करें जो अलग से कक्षा लगा रही हैं मणिपुर में, महिलाओं की जो स्पेशल कक्षा लगती है। ये हमारी बहन सविता जी बहुत सुंदर कक्षाएं, अलग अलग सिर्फ महिलाओं की कक्षा लगा रहे हैं। और मणिपुर में जब हमारा जाना हुआ तो हमने देखा, जहां पूरे देश में खेल के लिए स्टेडियम की, बैडमिंटन के कोर्ट की, खेलों के प्रति बहुत जागरूकता नहीं है, पूरे भारत की तुलना में मणिपुर में खेलों के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता है। जगह जगह स्टेडियम बने हुए हैं, जगह जगह खेलने के, बैडमिंटन के, दूसरे खेलों के कोर्ट बने हुए हैं। आगे हमारे साथ हमारे भाई राजेंद्र जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र जी, जो पूरे तन मन धन से मणिपुर में सेवाएं कर रहे हैं। भाई नील कुमार जी हमारे बीच में हैं, जो मणिपुर में कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ साथ मणिपुर में युवा प्रभारी के रूप में भाई सगोश जी परमेश्वर जी यहां पर हैं, जो युवाओं के मध्य में जागरूकता का काम कर रहे हैं और युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं इन्होंने सोची हैं। भारत स्वाभिमान के माध्यम से वो सारी योजनाएं साकार होंगी। इसके साथ साथ बहन ब्रजेश्वरी देवी जी, इनके नाम भी पूरी भारतीय संस्कृतनिष्ठ परंपरागत नाम है, बहन ब्रजेश्वरी देवी जी भी महिलाओं के मध्य में बहुत अच्छी सेवाएं दे रही हैं। इसके साथ साथ संगलक्कम सृजय शर्मा जी हमारे भाई बहुत सुंदर सेवाएं दे रहे हैं, इनको भी हम यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में इनका हम अभिवादन करते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ ये माना जाता है कि सेवा के काम करना कई बार बहुत मुश्किल समझा जाता है भाषा के स्तर पर, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग जनजातियाँ रहती हैं, उनकी भाषा अलग है, लेकिन भारत स्वाभिमान की, योग की भाषा ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया है। मणिपुर के लोग चाहे हिंदी कुछ भाई ना बोल सकते हो, लेकिन वो भी सारे हिंदी को समझते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जो संवेदनाएं देते हैं, उनके भावों को समझते हैं। और स्वामी जी महाराज ने अब जो राष्ट्र सेवा का बीड़ा उठाया है, उसको लेकर मणिपुर पूरी तरह से संकल्पित है कि जैसे भारत के दूसरे हिस्सों में योग की क्रांति चल रही है, मणिपुर में भी उसी प्रकार से योग बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। आगे मैं भाई विनोद जी को आमंत्रित करता हूं, और इन सब कड़ियों को सजोने के रूप में बार बार मणिपुर जाकर सेवा करने का काम हमारे भाई श्याम शंकर राय जी ने किया है, जो आसाम से हैं। आसाम से ये लगभग 8-10 बार मणिपुर गए हैं, क्योंकि जब किसी काम को शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत कठिनाई आती है। मणिपुर में भी पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में कुछ सुनियोजित तरीके से विदेशी षड्यंत्र से आपस में मनमुटाव रहा है, अलग अलग जातियों का संघर्ष पैदा कर दिया गया था, अलग अलग ग्रुप वहां पर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से यह लगता था कि काम करने में दिक्कत आएगी, लेकिन भाई श्याम शंकर जी ने बार बार वहां पर जाकर इस कार्य को पूरी तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया है। तो भाई श्याम शंकर जी का भी हम अभिनंदन करते हैं। और मैं
दो दो मिनट के लिए भाई श्याम शंकर जी, भाई विनोद जी, भाई हिलेरी जी और बहन नीलिमा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मणिपुर के बारे में, मणिपुर में कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, मणिपुर कैसे योगमय हो सकता है, मणिपुर के लोगों की सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में, पतंजलि योगपीठ के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं। और ये लगभग 200 की जो संख्या में बहनें और भाई आए हुए हैं, ये मणिपुर से चार चार दिन चलकर आए हैं। सामान्य भारत का व्यक्ति, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति पूरी उम्र इतनी दूर नहीं जा सकता, और ये भाई, इनमें से कुछ भाई तो ऐसे हैं जो 6 महीने पहले भी आए थे, अभी 6 महीने के अंदर दोबारा आए हैं। अंडमान निकोबार से यहां पर भाई आए हैं, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से, त्रिपुरा से, मिजोरम से यहां पर भाई पहुंचे हैं। तो भारत स्वाभिमान का संगठन जो मात्र 5 वर्ष की जिसकी अवस्था है, उसमें बहुत पूरे भारत को उन्होंने एक सूत्र में जोड़ा है। तो सबसे पहले मैं भाई श्याम शंकर जी को आमंत्रित करता हूं। भाई श्याम शंकर जी, मणिपुर के बारे में अपने विचार